Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Hashim Mahmood Pigeons. आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जोड़ों के लिए बच्चे किस तरह से गोल करते हैं। तो ये एक बच्चा है, ये हमारा कमगर पेयर है। तो ये बच्चा हमने जोड़ों के लिए गोल करना है। तो मैं आपको बताऊं, एक तो इनके लिए जो पहले ये 10 पा रहा है, ये देख लें, आपने इतने रख के आधे से आपने काट देने हैं, दूसरी तरफ से भी यहाँ से रख के हमने काटने हैं, ये देखें दूसरी तरफ से भी काट दिए, और दुम भी जो है हमने इनकी ये जो है ये गोल यहाँ से रख के सीधी कर देनी है, इस तरह गोल करनी है। ये अभी हम जो है बारी बार जो है आपके इसका शौक भी कर लें, ये बच्चा है तो इस तरह हमने जो है ये जोड़ों के लिए गोल करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम ये गोल करते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला बच्चा गोल किया है, ये उसके साथ का दूसरा बच्चा है, इसको भी हमने गोल कर देना है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हम गोल करते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम इनके ये पर यहाँ से ये काट देते हैं तो ये उड़ के सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा पट्टियों तक बैठते हैं और ये ज्यादा उड़ते नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो जिस्म है वो अच्छा बन जाता है, ये सेहतमंद बनते हैं। तो उसकी वजह से इनको हम जोड़ों में अच्छा डाल लेते हैं। ये एक और हमारा ये सियालकोटी जो है जोंसरे का होता है ना, ये उनका बच्चा है, इसको भी गोल करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी बच्चे आपने जोड़ों के लिए रोकने हैं, खास तौर पे एक तो दो तीन चीजें आपने देखनी है, एक तो वो अच्छे पले हुए हों, वो ये ना हो कि उनके जो है पलाई अच्छी ना हुई हो, एक वो अच्छे पले हुए हों, जिस तरह आप ये देख रहे हैं जो पहले बच्चे भी आपने देखे हैं उनकी पलाई बहुत अच्छी हुई है, और दूसरा जो है उन बच्चों की हड्डी जोड़ वगैरह आपने देखने हैं वो सीधे हो, जोड़ वगैरह बंद हो, फिर आपने उनको जोड़ों के लिए जो है गोल करना है, और एक तो अपनी नस्ल में प्योरिटी में हो तो फिर आपने जो है उनको गोल करना है। तो ये देख लें, हमने ये एक और बच्चा जो है ये गोल कर दिया है। तो हम ये बच्चे इसके लिए गोल करने हैं, गोल करने का मकसद ये है कि इससे जो है ये उड़ेंगे नहीं ज्यादा, सिर्फ दाना खाएंगे, उड़ के अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी सेहत जो है और ज्यादा अच्छी बनेगी, इनकी जो है जो पलाई वगैरह वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि गोल करने का कि इनकी जो है सेहत वगैरह अच्छी बन जाए, ताकि जितना अच्छा कबूतर होगा, जितना स्ट्रोंग होगा, वो उतना ज्यादा जो है आगे ब्रीडिंग के अंदर हमारा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।